जब भी कभी दांतों की प्रॉब्लम्स या दांतों की कोई ट्रीटमेंट की बात आती है तो अक्सर हम बात करते हैं कि हमने डेंटल इम्प्लांट्स का डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है और हम डेंटल इम्प्लाट्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं आपको इम्प्लांट के फ़ायदों के बारे में बताया जाता है और आपको इम्प्लान्ट के हर आ, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है पर हम आज बात करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स अगर फेल क्यों होते हैं अगर कहा जाता है कि वो हमारे लिए स्थायी है, हमारे लिए एक फिक्स्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है तो कई बार पेशेंट इम्प्लांट लगाने के बाद में भी जब दांत लगवाने का समय आता है, तो कहा जाता है कि आपका इम्प्लांट फेल हो गया है तो आज हम इसी आ, असफलता इन्हीं फेलियर्स के बारे में डिस्कशन करना चाहिए सारी हो गई है यानी कि आप देखेंगे कि हर दूसरी तीसरी चौथी आप शॉप है या क्लिनिक है आपको डेंटिस्ट का बोर्ड लगावा दिखेगा तो डेंटल इम्प्लांट जब भी आपको कराना होता है या कराने की आपको सलाह दी जाती है तो हमें अपना बहुत ही जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए यानी कि आपका जो भी डॉक्टर है उसके पास अनुभव होना चाहिए उसके पास में योग्यता होनी चाहिए उसके पास में सारी की सारा सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपका डेंटल इम्प्लांट सक्सेसफुल हो तो जब बात आती है अनुभव और योग्यता की तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि डॉक्टर को ये पता होना ज़रूरी है कि जो आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग है उसमें जहाँ पे इम्प्लांट अपने को लगाने हैं उनका एक प्रॉपर आउटकम या जो लास्ट का एंड रिजल्ट है उन उसका खाका अपने डॉक्टर के दिमाग में होना चाहिए आपके जबाड़े की पोजीशंस देख के आपके बाकी बचे हुए दांतों को देखें अगर आप कुछ इम्प्लांट लगवा रहे हैं और आपके ओरिजिनल नेचुरल टीथ है तो उनकी पोजीशन बहुत ज़रूरी है अदरवाइज अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं तो भी आपकी कई सारे फैक्टर्स को उनको ध्यान में के काम करना होता है तो वहाँ पे अनुभव काम आता है उनके पास में विशेष योग्यता होनी चाहिए इम्प्लांटोलॉजी की उन्होंने कोर्सेज किए हो उनके पास में इतना एक्सपोजर हो कि वो इम्प्लांट्स को पूरा इनसाइड आउट समझ सकते हैं एज सिंपल एज दैट कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं तो उनके पास में डिग्री भी है और अनुभव भी है सेम इज विद द डेंटल इम्प्लांट्स दूसरी चीज जिस भी सेटअप में आप जा रहे हैं आपको ये देखना जरूरी है कि वहाँ पे स्टरेलाइजेशन डिसइंफेक्शन और बाकी सारी चीज़ों की पूरा रख रखा हो आपके वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स भी जैसे बाकी सर्जरीज हैं वहाँ उसके लिए हमें बड़ा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड माहौल चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से उनका केयर होना चाहिए तब जाके ये हमें स्टेराइल या इन्फेक्शन फ्री इम्प्लान्ट्स हमें हम सर्जरी के बाद में पा सकते हैं तीसरी चीज उसकी प्रोस्टेटिक प्लानिंग यानी कि जब डेंटल इम्प्लांट्स आपके लगाए तो कई बार आपको कहते हैं डॉक्टर कि साहब अभी तो हमने आपके टेम्प्रेरी लगाए हैं आपको तीन से चार महीने बाद में परमानेंट टीथ लगा दिए जाएंगे किसी भी विधा में चाहे वो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स है चाहे वो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स है तो उसकी प्लानिंग उस डॉक्टर को प्रॉपर समझ में आनी चाहिए कल को ऐसा नहीं हो क्या आपने इम्प्लांट्स लगवाए हैं मुंह में प्रॉपर भोजन करने के लिए और पता चला कि कुछ समय बाद खाते खाते आपका कुछ पार्ट लूज़ हो गया या कुछ निकल गया तो उसका भी क्योंकि उसमें आपके जॉ के आपके मसल्स के जो फोर्सेस लगते हैं वो जिन्होंने आपके कुदरती दांतों को भी तोड़ दिया या कुदरती दांत भी आपके समय के साथ पहले चले गए तो आपके इम्प्लांट्स भी उन्हीं फोर्सेस के अंडर है तो वो जो चीज़ है उसकी भी डॉक्टर के पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए तो देखिए तीन पॉइंट्स हो गए आपके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर उसके पास वह प्रॉपर एक डेजिग्नेशन होना चाहिए तीसरी चीज़ उसके पास क्लिनिकल सेटअप बहुत अप्रोप्रिएट और डिस इन्फेक्शन इन्फेक्शन फ्री एनवायरमेंट क्रिएट करने वाला काम होना चाहिए थर्डली आज ये सब अगर आपने डेंटल इम्प्लांट करवा भी लिया तो अब आपका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आप जब डेंटल इम्प्लांट लगवाते हैं तो क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो क्या होता है आप डॉक्टर से गारंटी पूछते हैं कि सब ये कितने दिन चलेंगे क्या ये फिक्स्ड है क्या ये परमानेंट है तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि अगर आपने अच्छा इम्प्लांट चूज़ किया है तो वो आपके लिए स्थाई समाधान है तो उसको जैसे ही आप सुनते हैं आप बहुत कैजुअल हो जाते हैं आप जब डॉक्टर्स की तरफ से या क्लिनिक की तरफ से आपको फॉलोअप विजिट्स के लिए बुलाया जाता है तो आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ और अक्सर जिस तरह से हमारी एक आदत होती है हम उस चीज़ को टालते रहते हैं हम टालते रहते हैं और जब आप कई बार जाते हैं तो वो इतना लूज हो जाता है कि आपके हाथ में आ जाते हैं कई बार उसके क्राउन्स निकल जाते हैं कई बार अटैचमेंट्स निकल जाते हैं फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ये काम कभी भी एक ही दिन में नहीं होता है ये बहुत धीरे 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 होता है तो इसलिए इम्प्लांट कराने के बाद में आपके फॉलोअप जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो भी मेरी आपको एक सलाह है कि छः महीने में एक बार रूटीन चेकअप के लिए रूटीन अपने इम्प्लांट्स के लिए आपको ज़रूर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए जिसमें कि वो आपका एक्सरे ले लेके देखते हैं और वो आप उसकी इम्प्लांट की जो हेल्थ है उसको वो एसेस करते हैं दूसरी चीज़ शुरुआती टाइम में आपको खाने पीने का विशेष परहेज़ करने को बताया जाता है आपने इम्प्लांट्स करवाए हैं तो ऑब्वियसली आपको हार्ड फूड नहीं खाना है या जिस तरफ से आपको खाने के लिए मना किया है वहाँ पर आपको खाना चबाना या नहीं करना है तो ये अगेन डॉक्टर आपके लिए वहां पे जासूसी नहीं करेगा कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं खाना पीना आपके हाथ में है वो आप ही को ध्यान रखना चाहिए तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्मोकिंग आपने हमेशा देखा होगा कई ओकेजनली स्मोक करते हैं कई चेन स्मोकरस होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स की हेल्थ के लिए स्मोकिंग जो है वो जहर की तरह काम करता है अगर आप स्मोकर हैं और अगर आप इम्प्लांट लगवाते हैं तो आप मान के चलिएगा कि कुछ समय बाद इम्प्लांट फेल होंगे ही होंगे तो हमेशा हमें जिस दौरान आपका एक हीलिंग टाइम है और जिस दौरान आपका प्लान का इंटीग्रेशन का टाइम है उस वक्त हमें स्मोकिंग बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए और अगर करते भी हैं तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए तो स्मोकिंग है दूसरी चीज़ आती है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हमारी बॉडी में किसी भी आ, अंग का हीलिंग का कारण होती है अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो डेफ़िनेटली आपने अगर इम्प्लांट अच्छा भी लगाया है बहुत अच्छे डॉक्टर से भी लगाया है और बहुत अच्छे तरह से वो इंटीग्रेट भी हो गया है तो भी जैसे शरीर के अंग धीरे धीरे डायबिटीज़ के अनकट्रोल डायबिटीज़ की वजह से वीक हो जाते हैं कमज़ोर हो जाते हैं या रोगग्रस्त हो जाते हैं उसी तरह से डेंटल इम्प्लांट्स भी अछूते नहीं हैं तो ये कारण मैंने आज आपको बताए हैं कि अपने डॉक्टर के पार्ट पे आपको क्या देखना चाहिए और अपने आप के पार्ट पे आपको क्या देखना चाहिए इससे कि डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना भोजन खा सकें और आपने जो तकलीफ़ पहले झेली है वो आपकी तकलीफ़ हमेशा के लिए दूर हो जाए डियर फ्रेंड्स मेरा जो क्लिनिक है मरुधर डेंटल सेंटर जयपुर में है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ में हमारी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और आपकी अगर किसी भी आ, कोने में आप देश में हैं अगर आपकी कोई समस्या है तो क्लिनिक के समय आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं हमारे को जो आपको सलाह देनी है कोशिश करेंगे अदरवाइज़ आप अपने लोकल डेंटिस्ट से भी आप मिलते जुलते रहिए और उनसे आप अपना समाधान ले सकते हैं थैंक यू सो मच